शहबाज उर्फ टांडा और पुलिस जवान के मानगो में हत्या करने वाले एक और शूटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस आरोप में दो आरोपी समेत डकैती की योजना बना रहे 6 बदमाश मूसाबनी से हुए गिरफ्तार। विगत 8 दिसंबर को मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 16 के पास जमीन कारोबारी डाबर के भाई शहबाज उर्फ टांडा और एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस घटना के दो आरोपी सरायकेला के चौका थाना क्षेत्र के रायडी के राजू तांती उर्फ भुवन तांती और सरायकेला के गमहरिया के काशीडी के शत्रुघ्न हांसदा को मूसाबनी के बेनाशोल से गिरफ्तार किया है। पुलिस इन दोनों बदमाशों को घटना का मास्टरमाइंड बता रही है। इनके अलावा 4 अन्य बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी बदमाश वहां डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया है उनमें मूसाबनी के भीम मुर्मू, आदितपुर का धीरेन्द्र महतो, कांदरा के मुकेश कुमार महतो और सरायकेला जिला का राज महतो शामिल है। इन सबके पास से पुलिस एक देसी कट्टा, 3 गोली, 1 चापड़, 1 कट्टर, 1 टन अल्मीनियम एवं कॉपर का तार, 1 टाटा 407 वाहन, 2 मोटरसाइकिल, 13,920 रुपए और 5 मोबाइल सेट बरामद किया है। इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए सुनिए पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल। कल संध्या में इस प्रकार की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मूसाबनी थाना अंतर्गत बेनासोल ग्राम के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी के किनारे पंप हाउस के पास कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हुए हैं जो हरवे हथियार से लैस भी हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के दिशा निर्देशन में डीएसपी मूसाबनी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा कार्रवाई करते हुए 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 1 चापड़ और कुछ अन्य परंपरागत सामान जो है वो बरामद हुआ है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो यह मामला भी संज्ञान में आया कि दिनांक 8-9 तारीख की रात्रि में तालाडी सुरदा स्थित डीवीसी पावर स्टेशन से इनके द्वारा कॉपर एल्यूमिनियम की तार की बड़ी मात्रा में चोरी की गई थी, जिसमें करीबन 1 टन कॉपर एल्यूमिनियम का तार और तार काटने के लिए जो लोहे के कटर्स वगैरह हैं और तार ढोने के लिए गाड़ी वगैरह का जो यूज किया गया था टाटा 407 का वो भी बरामद हुई है। तो एक तरीके से जो चोरी का सामान था वो भी बरामद हुआ और जो अंजाम देने के लिए फिराक में थे उस संदर्भ में हथियार भी बरामद हुआ। और जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो यह भी सामने बात आई कि इसमें जो दो एक तरीके से कह सकते हैं कुख्यात अपराधकर्मी हैं, भुवन तांती और शत्रुघ्न हांसदा, जो कि पिछले माह 8 दिसंबर 2023 को मानगो थाना क्षेत्र में जो एक घटना घटित हुई थी जिसमें कि शहजाद उर्फ टांडा और एक अपने पुलिस के जवान की शहादत भी हुई थी, उस घटना में भी ये दोनों वांछित थे। इनका भी अनुसंधान के दौरान नाम आया था कि जब जो पुलिस जवान की जो शहादत हुई थी, जो उनको गोली लगी थी, तो उस गोली मारने वालों में जो 3 लोगों की फुटेजेस भी आए थे और उसमें एक की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसमें एक आदमी ये भी था, तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इसके अलावा जो शत्रुघ्न हांसदा है वो भी इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम मानगो का था उसमें वो शामिल था, तो इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो राजू तांती और भुवन तांती जो है इसके विरुद्ध में तकरीबन 8 मामले जो है वो दर्ज हैं अभी तक, जिसमें कि एक कमाड़ का भी जो है एक जो है मर्डर केस है उसमें भी एक्यूज था और लंबे समय से फिरारी चल रहा था। शत्रुघ्न हांसदा जो है उसके विरुद्ध में कुल मिलाकर के 3 आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं। शेष जो 4 अपराधकर्मी हैं उनके संदर्भ में भी अनुसंधान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक बड़ी घटना को होने से रोक पाने में पुलिस कामयाब हुई है और 2 अन्य घटनाओं के अनुसंधान और रिकवरी में पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई। कहाँ थे ये सारे लोग हैं? ये सारे लोगों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो सरायकेला खरसावा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, चौका के भी हैं, RIT के भी हैं। उसमें कुछ जो है वो आपको एक व्यक्ति जो है वो केवल मूसाबनी का है, बाकी सारे जो है वो सरायकेला के। टारगेट क्या थे लोगों का? टारगेट जो है वो एक डकैती की योजना ये लोग बना रहे थे किसी एक स्थान पर एक प्लांट में और उस संदर्भ में अनुसंधान और किया जा रहा है।